हम लगातार कांग्रेस में 8 साल से सक्रिय हैं, लेकिन चुनावी माहौल है और इस मौके पे हमारा हक बनता है कि हमें टिकट दिया जाए, लेकिन मयंक कटारिया जी ने हमें टिकट न देते हुए ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो जमीन स्तर पर सक्रिय नहीं है और नए लोगों है जिनका कोई जमीन पर कोई अस्तित्व नहीं है। राशन माफिया दागी और बागी तक को इन्होंने उम्मीदवार बनाया है, तो हमने आज इनसे मांग करने के लिए आए थे कि आप हमें जो मेहनत कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को टिकट दीजिए, लेकिन ये हमसे बिना मिले वो चले गए हैं और मुलाकात नहीं करी है। और इन्होंने भाजपा के विधायक चेतन कश्यप से साठ गांठ कर ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो वो बुरी तरह जो है निष्क्रिय है और अपनी हार सकते हैं, ताकि इससे भाजपा को फायदा हो। और आगे हमने हमारी बात रखी है, हम ऊपर तक बात रखेंगे, हमारी बात इन्होंने सुनी नहीं है, आगे भी हम बात रखेंगे। और अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम इस्तीफे की प्रक्रिया करेंगे और जिले के कई पदाधिकारी और कई लोग जो है इस्तीफे देने को तैयार हैं।